चीज़ों को, तो मुझे रूबीना जी से बेस्ट कोई नहीं लगा, राहुल वैद्य से बेस्ट नहीं लगा, ये दो लोग इतने स्ट्रॉन्ग मुझे लगे। और मैंने घर के अंदर फिर जाके मैंने, जैसे एजाज को मैं बहुत बुरा मानती थी जाने से पहले कि ये क्या बंदा है, अजीब है, हर जगह मतलब मुंह फाड़ के चिल्लाता रहता है और हर जगह झगड़े में घुस जाता है और फिर अलग बैठा रहता है, तो उसका जो बर्ताव था मुझे बहुत ही मतलब ख़राब लगता था। और मैंने जब मैं घर के अंदर गई तो सब चीज़ें उल्टी हो गई थी, मैंने जब उनको सामने से जाना, क्योंकि 24 घंटे जो चलता है उसका 1.5 घंटे में जो दिखता है वो अलग है आप लोगों के सामने, मेरी भी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं दिखाई गई, मैंने सिद्धांतों के साथ उस शो में खेला है, जो भी खेला है अपने आप को दिखाया है, लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से आई है, मेरी जो एक दो गलतियाँ थी उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो मैं शो में जब गई हूँ तब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रूबीना जी मेरी फेवरेट हमेशा रही हैं, और मेरे घर पे भी सब, जैसे मेरी मदर उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन आज जब मैंने उनसे पूछा आने के बाद तो मेरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती उनको, तो मैंने मेरी माँ को समझाया भी, मैंने कहा शो में रहने के लिए रूबीना जी ये कर रही है, बाकी वो अच्छी है। तो जब लेकिन एक तरफ वो संस्कारों की नियमों की दुहाई देती है, वहीं दूसरी तरफ अपने गेम में आगे बढ़ने के लिए वो अपने संस्कार और नियम ताक पे रख देती है, वो साइड में कर देती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने उनकी छवि हमेशा एक अच्छी महिला की पर्दे पे भी देखी है, और मैंने बाहर भी यही महसूस किया था कि वो ऐसी है, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो इस शो के लिए ही बनी है। रूबीना जी के बारे में कहूँगी, वो इस शो के लिए बनी है, वो ऐसी महिला है, वो इतनी चतुर है, बहुत चतुर महिला है वो, और जब कहीं फरेब करना हो तो तुरंत फरेब करती है, पता भी नहीं चलने देती, बाद में समझ में आता है अरे ये इतना बड़ा फरेब कर गई आपके साथ। तो वो शो में टिकने के लिए उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता रूबीना से बेस्ट कोई हो सकता, और मुझे आज लगता है कि उस ट्रॉफी की असली हकदार वही है, ऐसे शो के लिए वही बनी है, हमारे जैसे लोग नहीं बने हैं। दूसरा, राहुल को मैं स्ट्रॉन्ग मानती थी, लेकिन राहुल कहीं ना कहीं उसके फरेब के आगे दब जाता है। राहुल साफ सुथरे तरीके से खेलता, वो फरेब नहीं कर सकता, वो अपनी बात अच्छे ढंग से रखता है, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा बताता है, लेकिन ऐसे लोग शो में आगे नहीं बढ़ सकते। तो राहुल को मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि राहुल ट्रॉफी जीते, लेकिन मैं राहुल आज तुमसे कहना चाहती हूँ, राहुल तुम रूबीना के फरेब के आगे इतना भी नहीं चल पाओगे। और बाकी जैसे अली का है मैटर, अली बड़ा सोच समझ के खेलता है और अपना शारीरिक बल भी इस्तेमाल करता है, लेकिन रूबीना के फरेब के आगे कोई कुछ भी नहीं है। जो अभिनव को सारा दिन घुमाती, अपने लिए इस्तेमाल कर लिया उसने अभिनव को, जिनका डाइवोर्स होने वाला था, वो लोग अलग हो चुके थे, फिर भी वो दोनों लोग साथ में आए और एक हर एक पल अभिनव जी ने रूबीना जी का साथ दिया है, उन्होंने अपने आप को पीछे किया है रूबीना जी को आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने बार बार जैसे मैं शो में गई, मैंने खुल के कहा अभिनव जी को, मैंने कहा अभिनव जी आप इतने अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा मैं आपको मानती हूँ, शुरू से मैंने जैसे आपको देखा है तो आप बहुत सबसे अच्छे व्यक्ति शो में आप नज़र आते हैं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो व्यक्तित्व है वो दब चुका है रूबीना जी के आगे, आप उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को खो चुके हो, और जब आप बाहर निकलोगे लोग आपको बहुत सुनाने वाले हैं और आपको सवालों की बौछार होगी, शायद आपको जीने भी ना देगी, जिस टाइप से कि जोरू का गुलाम है बहुत ज़्यादा ही करता है, ये इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो अपने आप को दिखाओ, थोड़ा सा अभी समय है, आप जाने वाले नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शो से के लोगों से भी रूबीना जी की बात हुई होगी कि मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा, तो उनकी वैसे भी मजबूती है इस शो में अभिनव जी की वजह से। तो अभिनव जी अभी आपको, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3-4 हफ्ते से अपने आप को दिखाने लगे हैं और बड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी भी झगड़े में पहले नहीं होते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि रूबीना जी मुझे लगती है कि वो आगे तक जाएगी, और क्यों ना जाए, जो वो इतने अच्छे ढंग से इतनी चतुराई से खेल रही है, जहाँ पर उनको किसी को लगता है कि इसको आउट करना, उसको टारगेट करती है, जैसे मुझे किया उन्होंने टारगेट, चाहे वो रोटी वाला मामला हो, उसमें तो कुछ नहीं है, खुद रोटी डाल रही है 15 रोटी, फिर मुझे कह रही है एक टुकड़ा डाल दिया तो उसको बात को इतना बड़ा बना दिया, मुझे कहती है अपना VIP पन अपने पास में रख, ये तेरा नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, मेरे को तो बड़े सिंपल तरीके से रहती हूँ, सबके साथ बड़े प्यार से रहती हूँ, मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मैं VIP हूँ या मैं पावरफुल महिला हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। लेकिन रूबीना जी को मुझसे इनसिक्योरिटी हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं नियमों के साथ चलती थी, उन्हें लगता था कि मैं मेरी चतुराई से मैं ये लोगों को दिखा रही हूँ
कि मैं नियमों के साथ चलती हूँ, संस्कारों के साथ चलती हूँ, वो कहीं ना कहीं उसमें मैं रुबीना से आगे जा रही थी। रुबीना को लग रहा था कि इसको निकालना चाहिए हमें यहाँ से, तो उसने मुझे टारगेट किया और ये आपके सामने है ये चीज़ें। तो देखिए ये मेरी सोच है, ये नहीं भी हो सकता है, मैं शायद कह रही हूँ कि हो सकता है, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई, अभिनव जी कुछ भी नहीं कर रहे थे फिर भी टिके हैं शो में, कुछ भी नहीं कर रहे थे फिर भी टिके हैं, लोग देखना चाहते हैं, लोग उसमें शो में लड़ाई झगड़े देखना चाहते हैं, उन्हीं को वोट करते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को खुल के दिखाते हैं वहाँ पे। लेकिन अभिनव जी को कैसे सेफ रहे इतने दिनों तक, तो उससे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। अच्छा सोनाली जी, क्योंकि अब आप घर के बाहर हैं, हमारे बीच में आप, अब जो आने वाले दिनों में अब आप अपने पॉलिटिकल करियर पर ध्यान देंगी या फिर आप कोई फिल्में पर ध्यान देंगी, कोई म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक वीडियो का बहुत ही ट्रेंड है, आप बताइए अब हमें किस अंदाज में, किस अवतार में दिखाई देंगी सोनाली? देखिए मैं शुरू से ही जैसे आपको बताया कि दोनों चीज़ें मेरी हमेशा साथ साथ चली हैं, और अभी भी मैं चाहती हूँ कि राजनीति के साथ साथ इसको भी मैं कंटिन्यू करूँ, और अभी मुझे लगता है कि मुझे समय यहाँ देना चाहिए, इस फील्ड को थोड़ा ज़्यादा और देना चाहिए, क्योंकि जो मेरे मन के अंदर जो छुपा हुआ था, जिस तरह से मैंने सलमान जी को लेकर डांस की बात कही और उन्होंने मुझे हर वीकेंड पे अपने गानों पे डांस करवाया और उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने जैसे एजाज उनके साथ ग्रुप डांसर थे कई जगहों पे, विदेशों में जाके एजाज जी ने उनके साथ ग्रुप में डांस किया है, तो उन्होंने एजाज जी को भी कहा कि अरे एजाज तुमने पानी तक नहीं मांगा, सोनाली जी ने डांस किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब बात है सलमान जी का कहना, तो मुझे लगता है कि जो मेरी प्रतिभा है और मुझे अपने आप पे, जो मैं आज तक समाज सेवा से जुड़ी हूँ, अपने आप पे कभी ध्यान नहीं दे पाई, तो आप लोगों को मेरा लुक चेंज लग रहा होगा, तो मैंने अपना लुक, कल मैं पार्लर गई, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं कल पार्लर भी गई हूँ, अपना लुक में थोड़ा चेंज किया है, और मैं सच में करने वाली हूँ, अच्छा करने वाली हूँ, मैं जिम भी ज्वाइन करने वाली हूँ, अपना वेट थोड़ा कम करूँगी, अपने आप को और फिट करूँगी और इस फील्ड के लिए अच्छा काम करने वाली हूँ, और मुझे ऑफ़र भी आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि लोग मुझे कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, और जैसे हार्डी संधू जो गए थे तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि सोनाल जी आप बहुत खूबसूरत है, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी ठीक ठाक भी दिखती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत डांस भी आता है, और मैं जैसे मुझे अच्छा काम मिला तो मैं वो सब करने वाली हूँ, छोड़ूंगी नहीं अब। जी बिल्कुल सोनाली जी, क्योंकि आप पॉलिटिकल करियर से आते, इससे भी मेरा एक सवाल ये है कि अभी कल अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, कल जो कुछ भी हुआ पंजाब, क्योंकि आप हरियाणा से आती है, पंजाब के किसानों ने जो कुछ भी किया लाल किले पर, उन्होंने अपनी तरीके से झंडा फहराया पूरे देश में, इस तरह की बात आप कैसे देखती हैं, और आप मानती हैं कि एक देखिए करना एक अलग है, इस तरह से जाके लाल किले पर झंडा फहराना इस तरह से कितना सही है आपके अनुसार? देखिए इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि जहाँ से हम जुड़े हुए हैं और आज जहाँ मैं बैठी हूँ, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अगर मैं वहाँ होती तो इन सवालों का ज़रूर जवाब देती आपको, क्योंकि मेरी पार्टी की सरकार भी है और मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, किसान का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि वो किसके लिए क्या कर रहा है। लेकिन मैं दोनों ही चीज़ों पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में रही हूँ, मैंने 33 दिन और 10 दिन में क्वारंटाइन रही, मुझे कुछ पता आइडिया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकले, जब तक मैं चीज़ों को समझूंगी नहीं, मैं हरियाणा नहीं जाऊंगी, तो मैं तब तक मैं इन सवालों के बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाली। अभी कुछ समय पहले आपने कहा कि अगर आप 2 हफ्ते में भी रिविक्ट हो जाती तो आप खुश थी, अभी भी जब आप रिविक्ट हुई आप खुश हैं, तो क्या जब आप शो के अंदर गई थी आपने वो जीतने का जज्बा या वो जीतने की इच्छा नहीं थी? बिल्कुल थी इच्छा, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं मेरी खूबियों से, जो मेरी अच्छाई है, उनसे मैं लोगों का दिल जीत पाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस शो में लोग अच्छे लोगों को भी देखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़े पसंद करते हैं इस शो में, मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं, और मुझे, मैं आज भी कहती हूँ इस शो में आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इस शो में मुझे बुलाया गया ये मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरा, अगर मैं
मेरी बेटी ने भी कुछ कहा था कि मम्मा आप सबसे प्यार से रहते हो, कोई कुछ कहता है तो दुखी हो जाते हो, आप एक हफ्ता ही रहोगे। और उसने कहा भी आने के बाद कि मम्मा आप बहुत स्ट्रांग हो, आप तो 33 दिन रहे हो, तो ये आपकी उपलब्धि है। इसमें मतलब मुझे खुशी मिल रही है कि मैं 33 दिन बिग बॉस के घर में रह के आई हूँ। मुझे सच में नहीं लगता था कि मैं 33 दिन रुक पाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोगों से मिलते रहेंगे ऐसे ही, अब मैं यहाँ पे समय लगाने वाली हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।